Hello friends and welcome to the last video of chapter number 3 Culture Heritage of India Sculpture as well as Architecture. अगर हम स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले उसकी बातें करें तो छोटे मोटे बचे हुए टॉपिक्स हैं हमारे वो सारे कवर करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, अलग अलग डायनेस्टीज में कौन से टाइप के टेम्पल्स बने थे उसके बारे में बात करेंगे. विल ऑल्सो टेक अ लुक एट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ टेम्पल, जैन टेम्पल देरासर के बारे में बातचीत करेंगे, मिडीवल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, मॉस्क के पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ मॉस्क. साथ साथ विल एंड दिस पर्टिकुलर डिस्कशन विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर दैट वी फाइंड इन गुजरात. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं जो कि टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में है. अगर हम टेम्पल के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस है. ब्रॉडली अगर हम लोग नॉर्मली सारे टाइप के टेम्पल्स को क्लासीफाई करने जाए तो या तो टेम्पल्स बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पे होते हैं जहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, विच मीन्स दैट दे आर लोकेटेड ऑन अ हाई पेडेस्टल एंड हैव अ ग्रेट पिनेकल, या फिर दे आर लोकेटेड ऑन फ्लैट सर्फिसेज जिनके आसपास जो है वो प्रदक्षिणा पाथ्स होते हैं जिसको गर्भगृह के अराउंड हम लोग जो है वो चलते हैं. मतलब आइडल एक जगह पे है एंड जितने भी डिवोटीज हैं वो उस पर्टिकुलर आइडल के आसपास प्रदक्षिणा काट के अपना जो है वो डिवोशन टुवर्ड्स भगवान दिखाते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंडिया एंड आर ऑब्सेशन विद टेम्पल्स, डिफरेंट डायनेस्टीज हैव कम अक्रॉस एंड हर एक डायनेस्टी ने अपना एक यूनिक स्टाइल या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है एज फार एज टेम्पल आर्किटेक्चर इज कंसर्न. हमारे सिलेबस के अंदर पल्लवा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी एंड पंड्या डायनेस्टी के बारे में थोड़े कुछ डिटेल्स मैंशन किए हुए. अगर हम लोग पल्लवा डायनेस्टी के टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो दो टेम्पल्स के ऊपर खास फोकस है एज फार एज कैलाशनाथ टेम्पल एंड वैकुंठ पेरुमल टेम्पल इज कंसर्न. अब ये जो पल्लवा डायनेस्टी के टेम्पल्स हैं इन लोगों का जो एक यूनिक पैटर्न रहता था ऑफ क्रिएटिंग टेम्पल्स वॉज दैट ऑफ चैरियट टेम्पल्स. अब ये चैरियट टेम्पल्स का मतलब ये है कि जो टेम्पल बने हुए उसके नीचे जो है वो व्हील्स वाले स्ट्रक्चर है. ऑल दीज टेम्पल्स वर बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स, एक ही माउंटेन या एक ही रॉक में से कट कर करके जो है वो एनग्रेविंग्स कर करके जो है टेम्पल्स बनाए गए हैं. दिस इज यूजुअली फाउंड इन साउथ ऑफ इंडिया. जितने भी ये टेम्पल्स हैं उनके जो नाम रखे गए वो पांडवास के ऊपर से रखे गए. द बिगेस्ट चैरियट टेम्पल दैट वी हैव इज दैट ऑफ धर्मराज एंड द स्मॉलेस्ट दैट वी हैव इज दैट ऑन द्रौपदी. अगर हम लोग कोणार्क के सन टेम्पल की बात करेंगे तो ये भी एक फेमस चैरियट टेम्पल के कैटेगरी में ही आता है. आफ्टर द पल्लवाज अगर हम चोला डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे तो चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल था उस कैपिटल सिटी का नाम था तंजावर. अब यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो काफ़ी फेमस है. दिस पर्टिकुलर टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा राज एंड ये फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्शन किया गया था जो कि इतना ह्यूज और इतना मैग्नानिमस है. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल जो है वो 200 मीटर से ज़्यादा हाई है विद 13 स्टोरीड गोपुरम. जो ये आपको टॉप में स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको गोपुरम बोलते हैं. इट्स बेसिकली मोर टू डू विद द डेकोरेटेड एंट्रेंस ऑफ अ टेम्पल. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा आइडल्स देखने को मिलेंगे जो कि स्टोन एंड मेटल से बने हुए हैं. इनफैक्ट द एंटायर चोला डायनेस्टी पीरियड वॉज सच जहाँ पे जितने भी आइडल्स बनाए जाते थे, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो या तो पत्थर की बनाई जाती थी या फिर मेटल से बनाई जाती थी. खास तौर पर जो नटराज भगवान जी का जो ब्रॉन्ज का स्टैचू है इज़ वन फाइन एग्जाम्पल ऑफ सच आइडल्स बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ मेटल वर्क एंड स्टोन्स. आफ्टर चोलास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पंड्या डायनेस्टी. अगर हम लोग पंड्या डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे तो इन लोगों ने जो टेम्पल स्ट्रक्चर था उसके बाहर आउटर वॉल्स क्रिएट करने का सिस्टम क्रिएट किया. साथ ही साथ ये जो है एक को जो पिरामिड स्ट्रक्चर में आपको ये डेकोरेशन दिख रहा है इस चीज़ को वो लोग क्रिएट करते हैं जिसको गोपुरम बोला जाता है. नाउ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अगर हम गोपुरम का रेफरेंस देखेंगे तो कहा गया है दैट दीज आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एंट्रेंसेज ऑफ अ टेम्पल. अगर हम लोग मदुरई की मीनाक्षी टेम्पल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे चार मेन गोपुरम्स बनाए गए हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कलरफुल एंड बहुत ज़्यादा इंट्रेंसिक पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस के साथ बनाया गया है. इफ़ यू डू गेट अ चांस इन योर लाइफ यू मस्ट विजिट सच टेम्पल्स टू नोटिस दिस फर्स्ट हैंड. इमेजेस जो है वो जस्टिस नहीं करेंगे बट एक्चुअली इन जगहों का जो ब्यूटी है वो आप जब पर्सनली जाके इन जगहों को विजिट करोगे तभी आप अप्रिशिएट कर पाओगे. बियॉन्ड दिस हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर चंडेला डायनेस्टी के बारे में भी कुछ बात की है जो कि खाजुराहो टेम्पल के बारे में बात करें. खाजुराहो इज द प्लेस विच वॉज द कैपिटल ऑफ चंडेला रूलर ऑफ बुंदेलखंड एंड इन्होंने भी जो है वो बहुत बढ़िया टेम्पल बनाए हैं विद यूनिक स्टाइल ऑफ पिनेकल. इन टेम्पल्स के अंदर एक और जो कॉमन बात थी वॉज द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ इरोटिक एनग्रेविंग्स जो कि हमारे सिलेबस में इतने खुल के बात नहीं होती बट व्हेन यू गो एंड विजिट दीज थिंग्स आप देखोगे कि टेंपल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस बनाए हुए हैं.
जो कि उस टाइम पे काफ़ी और चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे. विल नॉट गेट इन द डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से वो इतना ज़रूरी नहीं है. बट इफ़ यू लुक अप दिस पर्टिकुलर टेम्पल्स, चाहे वो सन टेम्पल हो या खाजुराहो टेम्पल हो, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे. अगर हम सन टेम्पल के बारे में बात करेंगे तो ये मोढेरा में स्थित है. इट इज़ वेरी क्लोज टू अहमदाबाद एंड इफ यू हैवन बीन हियर आई वुड डेफिनेटली एडवाइज यू कि आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए. दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाई द सोलंकी किंग भीमदेव द वन द फर्स्ट इन 1026 AD. ये डेट याद रख लीजिएगा. अब इस टेम्पल की यूनिक बात यह है कि यहाँ पे जो सन गॉड का जो क्राउन है, उस क्राउन के सेंटर में देर इज़ अ जेम, एक नायाब पत्थर जो है वो वहाँ पे लगाया गया है. एंड जो पहली सूरज की किरण होती है जब वो उस पर्टिकुलर जेमस्टोन पे पड़ती है तो वो हर जगह अपनी रोशनी जो है वो स्प्रेड कर देती है. पूरा का पूरा जो एरिया है, टेम्पल स्ट्रक्चर है, उसको इल्यूमिनेट कर देता है. नाउ बियॉन्ड द मेन स्ट्रक्चर देर आर अराउंड 108 स्मॉल टेम्पल्स लोकेटेड इन द प्रीसिंग्स ऑफ द सेम प्रिमाइस. साथ ही साथ यहाँ पे 12 अलग अलग इमेजेस हैं सन गॉड के. और साथ साथ जैसे मैंने चंडेला के खुजराहो टेम्पल के बारे में बात की थी, यहाँ पे भी काफ़ी इरोटिक स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे. अब ये जो कार्विंग्स बनाई गई हैं इन द सन टेम्पल, दे रिप्रेजेंट द आर्ट फॉर्म दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट. ठीक है, बियॉन्ड दिस अगर हम टेम्पल जो होते हैं हमारे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं किसी टेम्पल के अंदर जिसका हमें एक शॉर्ट नोट ज़रूर पूछा जा सकता है या फिर यू कैन बी आस्क दिस इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्टिव. तो गर्भगृह इज दैट स्मॉल रूम जहाँ पे आइडल्स या भगवान को रखा जाता है, जिसको हम लोग गुजराती में गाभारो भी बोलते हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक अबाउट गोपुरम, जैसे हमने देखा था इन द मीनाक्षी टेम्पल एंड अदर टेम्पल्स एज वेल, कि ये जो है ये गेटवे ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स बोला जाता है. जो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे एनग्रेविंग्स होते हैं, उसी चीज़ को गोपुरम बोला जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मंडप की बात हो रही है, यहाँ पे इट्स अ बिग हॉलवे जहाँ पे मेन गेट के सामने ही होता है ये, जिसके थ्रू आप जो है जहाँ पे प्रेयर्स कर सकते हैं, जहाँ पे रिलीजियस जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड की जाती है. अगर हम शिखर की बात करेंगे तो दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंटेड पॉइंट ऑफ अ टेम्पल जो कि यूजुअली गोल्ड या ब्रास से बनाया जाता है. विमान की बात करेंगे तो यह सेमी सर्कुलर डोम है, या फिर अगर गोपुरम स्टाइल का टेम्पल है तो वो पिरामिड स्लोपिंग शेप वाला होगा, उसको विमान बोला जाता है. इट्स अगेन शिखर के नीचे वाला जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसकी बात हो रही है. अब हमारी चर्चा जो है वो हम लोग जैन टेम्पल्स के बारे में करने वाले हैं, जिसको देरासर भी बोला जाता है. अगर हम देरासरों की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पे हमने देरासर बना रखे हैं. नाउ दीज स्पेसेस आर टू कोमेमोरेट द रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ महावीर भगवान, ऑफ आदिनाथ भगवान एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट तीर्थंकर्स जिन्होंने निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया है. इन लोगों की जो है हम लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं, इनके डिवोशन करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइंग टू शो हाउ मच वी आर रिलेटेड टू आर रिलीजन. ऑफकोर्स आई एम नॉट अ जैन, आई डोंट अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ वॉट गोज इन टू दिस पर्टिकुलर वे ऑफ रिलीजन, बट मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि किसी भी टेम्पल का एक महत्व होता है जो कि है आपको अपने भगवान से जोड़े रखना, आपको अपने रिलीजन से जो है वो करीब रखना. एंड यही सारी जगहें जो है वो उसके इंपॉर्टेंस तब बढ़ा देते हैं व्हेन दे हैव अ लॉट ऑफ लेजेंड्स एंड डिफरेंट स्टोरीज ऑफ द पास्ट दैट जस्टिफाई द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वाई दिस प्लेस होल्ड सो मच सिग्निफिकेंस. अब अगर हम इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो पालीताना का टेम्पल, संखेश्वर टेम्पल जो है, ये बहुत फेमस टेम्पल्स है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं यात्रा पे, और वहाँ पे जाके दे गिवन देयर प्रेयर्स विद अ लॉट ऑफ डिवोशन. साथ साथ देलवारा टेम्पल जो आबू में है, ये मिनिस्टर विमल शाह ने क्रिएट करवाया था, तो ये ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से याद रखना. रनकपुर में भी एक जैन देरासर है जो कि राजस्थान में फॉल करता है. मधुवन नाम का एक देरासर है जो कि बिहार में है. नाउ दिस इज बेसिकली सिद्धाक्षेत्र पिलग्रिम के ऊपर सामेत शिखर जी नाम की जगह पे बनाया गया ये जैन टेम्पल है. लास्टली वैभर एट राजगुरा, विपुल अचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, श्रमगिरी, ये 5 अलग अलग इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आपको जैन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे. नाउ व्हेन आई वाज ट्राइंग टू मेक दीज नोट्स आल्सो आई रियलाइज दैट इन लोगों ने ज़्यादातर सिर्फ एग्जांपल्स देने पे फोकस किया है रादर देन टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ जैन टेम्पल. द रिलीजन ऑफ जैनिज्म इज एक्सट्रीमली अमेजिंग. देर आर लॉट ऑफ साइंटिफिक बेसिस फॉर वाई दे हैव अ सर्टन सेट ऑफ रिचुअल्स. तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उसके बारे में थोड़ा आपको रीड अप करना चाहिए, पढ़ना चाहिए. यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा सिर्फ फैक्ट्स मैंशन किए गए हैं. नाउ फॉलोइंग दिस वी हैव द मिडिवल आर्किटेक्चर, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मॉस्क, मिनारेट्स, पैलेसेस, डोम्स, इन सब चीज़ों के बारे में. अब अगर हम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए गए जो
आर्किटेक्चरल मार्वल्स है उसका हम मेंशन ना करें ऐसा बन ही नहीं सकता। तो कुतुब मीनार विच इज़ इन दिल्ली इज़ वन फेमस प्लेस। साथ ही साथ अगर हम लोग मॉस्क की बात करें तो कुवैतुल इस्लाम और अधाई दिन का झोपारा, ये दो इम्पॉर्टेंट मॉस्क हैं जो कि कहीं ना कहीं उस टाइम के आर्किटेक्चर एंड आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे डोम्स हैं, अमेजिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लैविश एंट्रीज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मेडिवल आर्किटेक्चर, तो हमें अलग अलग रीजन्स हैं हमारे पास जिसके अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग इंस्टेंसेस दिखेंगे और डिफरेंट साइट्स दिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग एक यूनिक आर्किटेक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम जौनपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे अटाला मॉस्क है जो कि सुल्तान ऑफ टर्की ने बनवाया था। द आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम एंड द लोटस डिजाइन ऑन वॉल एंड सीलिंग मेक्स दिस पर्टिकुलर प्लेस एक्सट्रीमली यूनिक। इफ यू टॉक अबाउट बंगाल तो यहाँ पे अदीना मॉस्क है जो कि पांडुआ रीजन ऑफ बंगाल में पड़ता है। तंतीरा मॉस्क है, टूम ऑफ जलाल उद मोहम्मद शाह जो है वो बनाया गया है। ऑल ऑफ दीज प्लेसेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर टू रिमेंबर। मैंने सिर्फ इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रख दिया आपके सामने क्योंकि रट्टा तो भाई आपको ही मारना है। फॉलोड बाय मालवा जगह पे आपको टूम्ब मिलेगा होशांग शाह का जो मार्बल से बना है। देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टूम्स एंड मंडू बिल्डिंग्स अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द सुल्तान जो कि इस एरिया में आपको पाया जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा कश्मीर एंड बहमणी रूलर्स ने अलग अलग डोम्स, मद्रासास, टेम्पल्स एंड पिलर्स वगैरह बनाए इन डिफरेंट प्रोविंसेज, जिसके दो तीन एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे। मिडिवल आर्किटेक्चर में आई डोंट थिंक आपको कुछ इतना मेजर क्वेश्चन आएगा ना आपके एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ इसके बारे में है। जस्ट रिमेंबर कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या चीज़ें क्रिएट की थी और कौन से मॉस्क जो है वो बनाए थे। अब अगर एलिमेंट्स ऑफ अ मॉस्क की बात करेंगे तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अ मॉस्क तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है भाई गलियारा। दिस इज द वे टू एंटर एंड एग्जिट द मॉस्क। मेन गेट से लेके जो मेन एरिया होता है जहाँ पे आप अपनी नमाज पढ़ते हैं, आप प्रेयर्स टू द ऑलमाइटी देते हैं, उस एरिया को, उस पूरी लेन को जो है वो गलियारा बोला जाता है। देन वी हैव किबला, ये एक हॉल है जहाँ पे नमाज परफॉर्म की जाती है। देन वी हैव लिवान, इट्स अ रूम इन द मॉस्क विद डिफरेंट पिलर्स। वी हैव मकसूरा विच इज़ द एंड ऑफ अ मॉस्क जहाँ पे रेलिंग से सेपरेट कर दिया जाता है उस एरिया को। महरब एक जगह है जो मैका की तरफ फेसिंग होती है, जहाँ पे आप अपने प्रेयर्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं भगवान जी को। देन वी हैव साहन, इट्स द एंटायर कैंपस जहाँ पे इस्लाम के प्लेयर्स साथ में जो है, इस्लाम के जो प्रेयर्स हैं वो सब डिवोटीज या जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब साथ में मिलके जो है वो अपने प्रेयर्स भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्टली आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात के बारे में बात करेंगे तो भाई अगर हम लोग देखने जाएँ तो गुजरात में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट खास तौर पे हमारे चैप्टर के अंदर रिलीजियस इंपॉर्टेंस की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा दर्जा दिया गया है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो अहमदाबाद में भी काफ़ी टेम्पल्स हैं, जैसे कि भद्रकाली एरिया, भद्र एरिया जो हमारा है वो इस टेम्पल की वजह से फेमस है। गीता मंदिर जो है वो इसकी वजह से फेमस है। फिर बाकी और भी बहुत सारे टेम्पल्स के नाम आपके लिस्ट में दिए हुए हैं, बट इसे अंबाजी, बहुचर जी, खोडियर माता जी टेम्पल, स्वामीनारायण टेम्पल, अक्षरधाम, ये सारी अलग अलग जगहें हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप मानी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक अबाउट मॉस्क इन गुजरात तो जामा मस्जिद जो है वो सुल्तान अहमद शाह द वन ने बनवाया था इन 1424। ये पर्टिकुलर मॉस्क के अंदर जो है वो 260 पिलर्स है, 15 अलग अलग डोम्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट गुजरात तो काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे नगीना मॉस्क बनवाया है, सिद्दी सैयद की जाली है, सरखेज रोज़ा है, शेकिंग मिनरट्स है जो कि कालोपुर स्टेशन से बहुत नज़दीक में है। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि गुजरात को यूनिक बनाती है, स्पेशल बनाती है। अगर हम जैन देरासरों की बात करेंगे तो हाथी सिंह टेम्पल, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, पालीताना और कुंभरिया जी टेम्पल जो है, देरासर जो है, ये काफ़ी फेमस माने जाते हैं इन गुजरात। फॉलोड बाय लास्टली अगर हम बात करेंगे अबाउट वाव या स्टेपवेल्स ऑफ गुजरात तो वो तो भाई काफ़ी फेमस है। इफ यू टॉक अबाउट द अदालत स्टेपवेल, दादा हारिनी वाव, रानीनी वाव और दभई स्टेपवेल, ये चार स्टेपवेल्स जो है वो काफ़ी फेमस है जिसका नाम हमारे सिलेबस के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। काफ़ी लेक्स है गुजरात में, जैसे काकरिया लेक जो अहमदाबाद में है, मुनसर लेक जो विरमगाम में है, मालव लेक जो ढोलका में है और सहस्त्रलिंग लेक जो पाटन में है। अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारे पॉइंट्स बस इसी तरीके से दिए, मैंने इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया है, आप भी इसी तरीके से याद रखेंगे विद 2-3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैटेगरी तो आपकी शॉर्ट नोट जो है वो आसानी से खत्म हो पाएगी। अब जो चीज़ें मैंने ऊपर कहीं स्लॉट नहीं कर सका उसको मैंने लास्ट कैटेगरी में रखा है, विच इज़ अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्किटेक्चर, जहाँ पे भाई हमारा भद्र फोर्ट, तीन दरवाज़ा, नगीनावाड़ी, रुद्र महालया, चौरी ऑफ शामला जी, समाधि ऑफ ताना रीरियन, कीर्ति तोरण जो वड़नगर में पड़ा था, ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ना कोई एक्सप्लेनेशन है, ना कोई इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा की है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोडेड चैप्टर था ये, मैं सिर्फ इसको अच्छे से नोट्स बना के आपके लिए कुछ कर सकता था, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मेहनत जो है वो पूरी आपकी है। मैं बस अपने एंड से आपके लिए जर्नी फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ।
आई होप आपको ये सारे एफर्ट्स जो है वो अच्छे लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपके एंगेजमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ये वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते रहने का। सो दैट्स गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम मी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर 4 की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है, कल आपको चैप्टर 4 का फर्स्ट वीडियो जो है वो मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।